कि अल्टीमेटली बॉडी फॉलोज, सॉरी माइंड फॉलोज द बॉडी, ये समझने को मेरे को एक घंटा लग गया, एक महीना लग गया था। तुम कुछ नहीं, मन में ये चल रहा है ना पढ़ाई की इच्छा नहीं है, तुम जाओ तुम्हारी स्टडी की सीट पे बैठो और तुम रफ बुक के अंदर तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। जो नहीं कुछ जम रहा, सामने वाला पैराग्राफ जैसा का वैसा चल रहा है ना, सामने पैराग्राफ पढ़ा है वो पैराग्राफ ही लिखना शुरू करो। दिमाग में इतना पावर, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि दिमाग में इतना पावर नहीं रहता कि वो तुम्हारे बॉडी को डिसोबे करना शुरू कर दे। तुम कितने भी बड़े खुशी में हो, कितनी भी बड़े आनंद में हो, एक पिन लेके तुमको चुभाई ना, अल्टीमेटली दिमाग रोना शुरू करेगा। माइंड बाउंड टू फॉलो योर बॉडी। फिर वो योगा वोगा की सिस्टम क्यों निकाली है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि तुम्हारा दिमाग कहीं भी चल रहा हो, इफ यू डू योगा, इफ यू डू मेडिटेशन, यू विल बी स्टेबल, बिकॉज माइंड इज बाउंड टू फॉलो योर बॉडी। आपके घर पे त्योहार चल रहा है पर आपके घुटने में दर्द है, त्योहार भी क्षीण हो जाएगा, तकलीफदायक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही आप सोचो कि आप डिप्रेस्ड हो, फिर भी आपका दोस्त आपको नाचने के लिए बोले और खुद नाचने के लिए आपको साथ में लेके जाए, आप दो चार भी एक्शन करो तो माइंड फ्रेश होना शुरू हो जाता है। आप कभी ये ट्राई करना अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, ये पहला टिप मैं आपको दे रहा हूं, लिख के देखना, सबसे पहला टिप। एक और पावरफुल टिप है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप पढ़ाई करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मस्त गर्म पानी का शॉवर ऑन करो, शॉवर में जाके खड़े रहो और उसके बाद सोचो क्या जरूरी है, या शॉवर में सोचो क्या जरूरी है। यू विल बी अमेज्ड, शॉवर वर्क लाइक सम मैजिक। ज्यादा पानी वेस्ट मत करना दो, शॉवर वर्क्स लाइक मैजिक। क्योंकि सी बॉडी 70% वाटर, सुना है आपने, बॉडी 70% वाटर, बोलो हाँ है ना। वाटर के साथ में थोड़ा सा और प्योरीफाइड वाटर आएगा तो फ्रेशनेस आएगा, इज इट, हाँ है ना, फ्रेशनेस आएगा तो तुम फ्रेशली सोच पाओगे हाँ चल अब बैठता हूं पढ़ाई को। उल्टा तो मैं ये हमेशा बोलूंगा आपको कि जब भी आप पढ़ाई को बैठो ना, शॉवर लेके बैठो, अगर आप घर पे हो तो। वैसे रीडिंग रूम प्रेस्टिज पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, पर आप घर पे हो, रूम पे हो, छोटा सा शॉवर लो, पढ़ाई को बैठो, यू विल सी ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर स्टडीज। समझ में आ रहा है? तीसरा टिप, दो हो गए, पहला रफ बुक उठाओ लिख के देखो, दूसरा शॉवर के साथ में लिख के देखो, शॉवर लो और पढ़ाई करने बैठो। टिप नंबर थ्री, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नहीं थी, तुम्हारे मोबाइल में पूरी दुनिया है। हम वो दगड़ वाले नोकिया के 1100 वाले फ़ोन लेके घूमते थे कि फ़ोन फेंक के मारो सारे को सिल फूटेगा पर फ़ोन को कुछ नहीं होगा। सो आप सोचो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे तुमने किसी ने एक्सेस किया पता नहीं, अगर तुम मेरे यूट्यूब को ठीक से फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम को, हमारे पूरे ऑडियो रिविजन्स रिकॉर्डेड है और गूगल ड्राइव के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। wowclass.com के प्रोडक्ट के किसी भी लिंक में जाओ, आपको सी एंटर का फोल्डर दिखेगा, वहाँ ऑडियो रिविजन सेपरेटली दिखेगा, हर टॉपिक का ऑडियो रिविजन रेडी है। और ऐसे मार्केट में तो बहुत सारे टीचर है जो फ्री स्टफ दे रहे, नहीं कुछ हो रहा, 129 rupees पे करो, यूट्यूब का पेड सब्सक्रिप्शन लो, जो मोबाइल लॉक होने के बाद भी ऑडियो जरूर शुरू रखता है वीडियो का, यूट्यूब पेड सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को तन मन धन से चाहो, तन और मन से तो है, 129 rupees तो जरूर दे सकते हो, तो तुमको ही मालूम तुम कहां उड़ा दोगे। 129 rupees का YouTube सब्सक्रिप्शन है, पेड सब्सक्रिप्शन लो, तुम्हारा वीडियो ऑन कर दो, वंडर विजन का फोन लॉक कर दो, स्क्रीन ऑफ, हेडफोन लगाओ, नहीं मन दिमाग में क्या चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, सुनते रहने का, दोनों सुनने का, पढ़ाई नहीं हो रही और रिविजन लेक्चर भी चल रहा, कब तक दिमाग मानेगा, कब तक। और उसके ऊपर टिप, साथ में बुक खोल के बैठ जाओ, जिसका रिविजन चल रहा है वो बुक खोल के बैठ जाओ, कब तक दिमाग छोड़ेगा, कब तक दिमाग से हारोगे। तीसरा टिप दे रहा हूं ये। चौथा टिप मोर इंपॉर्टेंट, लाइफ में दोस्त है तुम्हारे, है नहीं है सबको, सीए वाले नॉन सीए वाले, मैक्सिमम सीए वाले ही रहेंगे, 90% बच्चों के सीए वाले दोस्त रहेंगे, कुत्ता कमीना बेवकूफ बेशरम कैसा भी रहा दोस्त है, निकम्मा तो भी दोस्त है, सीए वाला है कन्फर्म है, वो दोस्त ही क्या काम का जो तुम्हारे गोल में और तुम उसके गोल में कंट्रीब्यूट ना कर पाओ। साथ में बैठो, ग्रुप डिस्कशन करो, मजा का मजा आएगा, पढ़ाई की पढ़ाई होगी, ठीक है, एंड यू शुड डू दैट। ग्रुप स्टडीज में मजा भी आता है,
योर रिटेंशन पावर गेट्स रिसाइकल्ड. रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है. और ग्रुप स्टडीज के साथ थोड़ा एक दूसरे को टास्क दे पाओ ना, चल ये क्वेश्चन तू लिख, ये क्वेश्चन मैं लिखता, सोने में सुहागा. ठीक, टिप नंबर 4, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोलो यस और नो. टिप नंबर 5, सर कितने? कोई एक आधी तो वर्क करे और पांचों वर्क करे तो बहुत अच्छी बात है जीवन में, हाँ है ना? यस और नो, बोलो हाँ है ना. एक मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाओ ना, सच्ची बोल रहा हूं. ये टिप ने, मैं पर्सनली तुमको बोलता हूं, ये पांचवी टिप जो दे रहा हूं ना, वो मेरे दिल के सबसे करीब है. इसके वजह से मेरा जीवन चेंज हो चुका है. मेरे फोन में अभी भी Spotify के ऊपर, और जो चीजें काम की है ना उनके सबके पेड सब्सक्रिप्शन लेके रखता हूं मैं. जो काम की, YouTube है काम का, पेड सब्सक्रिप्शन. तुम फालतू Amazon, Netflix के पेड सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो. लो YouTube का, लो Spotify का, बनाओ उसके ऊपर. मैं अभी भी, मेरी जब भी मैं डाउन फील करता हूं, आई विल शो यू इन माई लाइब्रेरी मोटिवेशनल सॉन्ग्स. और मेरी 12-13 साल पहले बनाई हुई प्लेलिस्ट है, उसमें हर बार नया सॉन्ग ऐड होते जाता है और मैं कंसिस्टेंटली सुनते रहता हूं. जब भी मैं डाउन फील करूं, मोटिवेशनल सॉन्ग लगाने का, सुनते रहने का. म्यूजिक इज सच ए लैंग्वेज विच डायरेक्टली टच योर हार्ट एंड माइंड इज ऑलवेज स्लेव ऑफ योर हार्ट एंड इमोशन. मोटिवेशन इज सच ए लैंग्वेज विच कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय, सॉरी, म्यूजिक इज सच ए लैंग्वेज विच कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय योर इमोशंस. इफ यू अलाइन योर इमोशंस, योर बॉडी एंड माइंड विल ऑटोमेटिकली गेट अलाइंड इटसेल्फ. तुम इमोशंस को, ये तीनों चीजें अपने लेवल पे वर्क करती है. तुम बॉडी को अलाइन करो तो माइंड और इमोशन अलाइन हो जाएगा. तुम माइंड को अलाइन करो तो बॉडी और इमोशन अलाइन हो जाएगा. तुम इमोशन को अलाइन करो तो बॉडी और माइंड अलाइन हो जाएगा. म्यूजिक वर्क्स ऑन योर इमोशंस. एक मोटिवेशनल सॉन्ग की जबरदस्त वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, कान में हेडफोन डालने का, दिन रात सुनने का, पढ़ाई को बैठने के 10 मिनट पहले तो बिल्कुल सुनने का. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लगा दो साइड में, चलता रहेगा. और उसके साथ तुम्हें जो फ्यूचर में बनना है ना, वो सपने देखो. मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ाने आता था ना प्रेस्टिज पॉइंट पे, मेरे पास 180cc का पल्सर था. मैं घर से लेके यहाँ तक मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट सुनता था प्रेस्टिज पॉइंट के सामने तक. यहाँ से जब गुजरता था प्रेस्टिज पॉइंट की तरफ देखता था, कान में मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट चलती थी और ये सोचता था एक दिन ये बिल्डिंग को बहुत बजाऊंगा मैं. अभी वही कर रहे हैं. जब वर्चुअल का मार्केट आया था 2015-16 में, बहुत बड़ा सेटबैक था. मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट सुनता था, सोचता था इंडिया को बजाऊंगा. आज भी कर रहे हैं, पूरा नहीं बजा पा रहे बट ठीक, ना किसी से कुछ तो कर रहे जीवन में. तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाओ, बहुत प्यारी वर्क करती है भाई. और अगर तुम गलती से इनमें से 3-4 टिप्स को मिक्स कर पाए, स्पीकर पे मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट चल रही है, तुम शॉवर में खड़े हो, तुम्हारे फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो. बुद्धा बोल के गए, बुद्धा द लास्ट अवतार जिनको कहा जाता है. प्लीज कंट्रोल योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स. प्लीज कंट्रोल योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस. प्लीज कंट्रोल योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट्स. प्लीज कंट्रोल योर हैबिट्स, दे बिकम योर लाइफ. प्लीज कंट्रोल योर लाइफ, इट कैन बिकम अ लाइफ अराउंड द पीपल यू पीपल जो आपके आजू बाजू में है, उनकी भी वो लाइफ बन जाएगी. छोटी सी चीज है मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट. तुम्हारी इमोशंस भी उस प्लेलिस्ट के अंदर कैप्चर हो गए, तुमने खुद को फ्यूचर, मैंने तो देखे है भाई सपने. मैं फ्रेंकली बोलता हूं, हर मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ मैंने देखा है कि मेरे को क्या बनना है. फुल्ली 100% तो अचीव नहीं हो पाया, 90% यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 90% तो अचीव हो गया. इतना पावरफुल प्रोजेक्शन चाहिए कि ये करना है. मैंने मेरे टीचिंग के करियर में सबसे स्टार्टिंग में रजिस्टर के लास्ट पेज के ऊपर जब टीचिंग का था, तब मैंने एक मेरा पिक्चर बनाया था कि मैं खड़ा हूँ और 400-500 बच्चों को पढ़ा रहा. हर 6 महीने में वो सपना जीता हूँ. दिस टाइम माइट बी CA इंटर की सबसे बड़ी बैच इन एंटायर हिस्ट्री इस बार पढ़ाऊंगा. रफली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 750 से 800 बच्चे. ये सपना देखा था पर कॉन्फिडेंट भी उसके लिए अभी से, बैच शुरू हो रही है 23 अगस्त से, 1 महीना पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दिया है. पहले लेक्चर में क्या पढ़ाना है, दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ाना है, तीसरे में क्या पढ़ाना है, चौथे में क्या पढ़ाना है, पूरी स्क्रिप्ट रेडी है.
इस बार तो ऐसा करूंगा कि नवंबर में, अगर 15 नवंबर को एग्जाम खत्म हो रही है और ग्रुप वन का पेपर अगर लॉ का आ गया 15 नवंबर के आसपास, ये सीए इंटर की बैच भी खत्म होगी, उसी बैच के अंदर वही पेपर दूंगा जो नवंबर में होगा क्लास के एंड में, करो साले को सॉल्व। और वो सॉल्व अगर बच्चे कर पाए तो मानूंगा कि जीवन में कुछ किया है मैंने। ये सब थॉट्स तब आएंगे जब तुम सोचने के लिए कुछ मोटिवेशनल प्लेलिस्ट सुनोगे, और थॉट्स नहीं आएंगे तो एक्शंस कैसे बनेंगे, एक्शंस नहीं बनेंगे तो लाइफ कैसे बनेगी। छोटी छोटी चीजें पर बहुत कारगर, छोटी छोटी चीजें। इसलिए मैं कहता हूं इट्स नॉट अबाउट अ बिग मैजिक, इट्स स्मॉल स्मॉल मिरेकल्स दैट यू डू एवरी डे। बहुत जरूरी चीजें, 5 टिप्स मैंने दिए तुमको, यूज देम। नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, बोलने के पहले 5 चीजें पढ़ना, उसमें से सेलेक्ट कर लेना कौन सी करूं। एक ही चीज सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड है, ग्रुप डिस्कशन पर बोलूंगा। एक सेंटिमेंट वाले 3 लोग, 2 लोग, सिंपल। एक टारगेट तुमको अचीव करने के लिए 6 महीने लग रहे हैं, अगर 2 लोग सेम सेंटिमेंट वाले एक साथ आएंगे तो 4 ही लगेंगे। 3 लोग सेम सेंटिमेंट वाले आएंगे तो हो सकता है 3 ही लगे। 4 लोग सेम सेंटिमेंट वाले, उससे आधा मत बढ़ाना, नहीं तो टारगेट बड़ा होता जाएगा खींचे के आगे 7-8। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर, 9।